हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंथेसिस के अगले क्रम में बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो आज हम बात करते हैं कि एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग द्वारा कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की। तो सबसे पहले एडवर्ब डिफिनेशन लिखी है एडवर्ब की, तो देख लीजिए आप। एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तो एडवर्ब वो वर्ड है जो मॉडिफाई करता है ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में जो भी चीजें आती हैं, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर उन सब को मॉडिफाई करता है। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, गीता स्पीक्स फास्टली। गीता तेज बोलती है। तेज का मतलब आवाज से नहीं, तेज का मतलब फ्रीक्वेंटली, तेजी से बोलती है कि आधी बात समझ में आए आधी ना समझ में आए। तो यहां पे हम देखते हैं कि स्पीक्स, गीता स्पीक्स। तो स्पीक्स क्या है, हमारी वर्ब है। गीता स्पीक्स फास्टली, और फास्टली जो है वो वर्ब की विशेषता बता रही है। जो फास्टली वर्ड आया है वो वर्ड मॉडिफाई करता है किसको, सेंटेंस में आए हुए वर्ब को। सेंटेंस में वर्ब कौन सी आई है, स्पीक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी पार्ट आते हैं उनमें नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट्स को मॉडिफाई करता है कौन, एडवर्ब। तो फास्टली क्या है, एडवर्ब, और स्पीक्स हमारी क्या है, वर्ब। तो यहां वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कौन, एक स्पेसिफिक वर्ड है फास्टली, जिसका काम ही है ये मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में इसकी विशेषता बतला रहा है। किसकी विशेषता, वर्ब की। और वर्ब यहां हमारी क्या है, स्पीक्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन स्पीक्स लाउडली। यहां पे स्पीक्स लाउडली मतलब धीरे नहीं बोलता, वो बोलता है काफी ऊंचे स्वर में बोलता है। तो मोहन स्पीक्स लाउडली। तो यहां पे एडवर्ब कौन सा यूज हुआ है, लाउडली। तो लाउडली जो है वो वर्ब की विशेषता बतला रहा कि मोहन के द्वारा जो स्पीक किया जाता है वो काफी हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज में बोला जाता है। तो मोहन स्पीक्स लाउडली यहां वर्ब है स्पीक्स, और इसको मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ड है लाउडली। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब का काम ही होता है वर्ब को मॉडिफाई करना, या आप ये भी कह सकते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी भागों को मॉडिफाई करने का मादा रखता कौन, एडवर्ब। अब यहां पे एक और एग्जांपल देखते हैं, मीना, सॉरी ये मीना होना चाहिए, मीन लिखा हुआ है। मीना इज वेरी ब्यूटीफुल, मीना इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पे जो ब्यूटीफुल आया है वो हमारा एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, और वेरी क्या है, एडवर्ब। तो यहां पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था कौन, एडवर्ब। यहां पर एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और एडवर्ब जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, मीना बड़ी सुंदर है। तो यहां पे एडजेक्टिव यूज हुआ है, मीना को बहुत सुंदर है, तो मीना का गुण क्या है कि वो सुंदर है, तो उसकी सुंदरता को मॉडिफाई कर रहा है वेरी ब्यूटीफुल, ना केवल सुंदर है बल्कि अत्यंत सुंदर है। तो यहां पे एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा। तो इस कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझ चुके हैं कि एडवर्ब क्या है। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन कॉमा प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सबको
मॉडिफाई करता है कौन? एडवर्ब। अब बात करते हैं एडवर्बियल फ्रेज की। क्योंकि जैसा कि बताया गया है, हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, और किसका प्रयोग करके? बाय यूजिंग एन एडवर्ब, या तो एडवर्ब यूज करेंगे और एडवर्बियल फ्रेज, या एडवर्बियल फ्रेज यूज करके। तो अब बात करते हैं हम एडवर्बियल फ्रेज की। तो यहां डिफिनेशन लिखी हुई है, एडवर्बियल फ्रेज, जैसा कि फ्रेज की डिफिनेशन पहले बताई जा चुकी है, फ्रेज का मतलब ही क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज। पिछले वीडियो में डिफाइन किया जा चुका है फ्रेज को, कि फ्रेज क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, एक शब्दों का जो समूह होता है जिसमें क्रिया का भाव हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। यहां पे बात की जा रही है एडवर्बियल फ्रेज की। तो एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच वर्क्स लाइक अ वर्ब और लाइक अ एडवर्ब। आप ये कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, व्हिच लाइक या व्हिच वर्क्स लाइक एन एडवर्ब। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जो काम करता है किसकी भांत? एडवर्ब की भांत, उसे ही हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। डेफिनेशन देखते हैं, एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स, जो कि काम करता है लाइक एडवर्ब, किसके समान? एडवर्ब के समान। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कहां हुआ। सेंटेंस दिया हमारा, मोहन वेंट टू स्कूल इन अ हरी, मोहन जल्दी में स्कूल को गया। तो यहां पे इन अ हरी जो है, ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज। क्यों? क्योंकि इन अ हरी जल्दी में, तो इन अ हरी जो है जल्दी में, वो मॉडिफाई करता है हमारी वर्ब को। वर्ब कहां है? वेंट। तो मोहन वेंट, मोहन गया है कहां? स्कूल को। लेकिन मोहन के जाने की विशेषता बतलाई जा रही है कि इन अ हरी, कि मोहन कैसे स्कूल गया है? इन अ हरी, जल्दी में। तो हम ये कह सकते हैं इन अ हरी एडवर्बियल फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इन अ हरी जो है इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच लाइक वर्क जस्ट लाइक एन एडवर्ब। ये इन अ हरी एक शब्दों का समूह है जो हम ये कह सकते हैं दैट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब, जो किसके समान काम कर रहा? एडवर्ब के समान। क्यों? एडवर्ब का काम ही है वर्ब की विशेषता बतलाना। यहां पे वर्ब जो है वेंट जो यूज हुई, उसकी विशेषता बतला रहा कौन? इन अ हरी। और इन अ हरी क्या है? एडवर्ब। यही हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज है, सॉरी एडवर्बियल फ्रेज ये हमारी है एडवर्बियल फ्रेज, जो किसके समान काम कर रही है? वर्ब्स लाइक एन एडवर्ब। एडवर्बियल फ्रेज ही काम किसका कर रही है? ये काम कर रही है एडवर्ब का। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मोहन वेंट टू स्कूल हर्डली। तो हम ये कह सकते हैं एडवर्ब बनती किससे है? अगर हमें एडजेक्टिव मिल जाए, या यदि हमें कहीं एडजेक्टिव मिले, तो एडजेक्टिव में हम एल वाई ऐड करके ही एडवर्ब बना देते हैं। तो इन अ हरी जो है, ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज। और इन अ हरी को ही हमने क्या बना दिया? एल वाई और ऐड किया उसमें, और ये हमारा बन गया एडवर्ब। ये हमारा है एडवर्ब। तो चाहे हम एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करेंगे या एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, तो एडवर्ब का प्रयोग करके भी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं, और एडवर्बियल फ्रेज का भी यूज करके हम दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक, या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह तो हमने जाना एडवर्ब और एडवर्बियल के बारे में। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं हम कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के थ्रू जुड़े जाते हैं। तो एग्जाम्पल देने के पहले आइए सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं कि
एग्जाम में हमको ये तो बताया जाता है कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि कौन सी विधि, कौन सी तरीके को अपनाकर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो उसके लिए हमें सेंटेंसेस की पहचान, तौर तरीके और कब कौन सी कंडीशन होने पर कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है, कौन सी कंडीशन होने पे कौन सा नियम लगाया जाता है, इसकी पहचान आपको खुद करनी होती है। तो पहचान जरूरी है और ये आपको निकालना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि दिए गए सेंटेंसेस किस टाइप के हैं और उनमें कौन सी विधि अपनाकर उनको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को कैसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता। तो यहाँ ये देखते हैं दिए गए सिंपल सेंटेंस में, ये बात तब की जा रही है जब हमको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो। तो दिए गए सिंपल सेंटेंस में एक सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज, कहने का अर्थ हुआ कि दो सेंटेंस दिए जाएंगे, एटलीस्ट कम से कम दो सेंटेंस तो दिए जाएंगे ही, उन्हीं को एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो उन दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस में, कम से कम एक सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज, या तो हमको एक सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज दिखाई देगा, और अगर मान लीजिए आपको एडवर्बियल फ्रेज दिखाई नहीं देता तो आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा एक सेंटेंस में, और उसकी विशेषता क्या होगी, जो दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता प्रकट करेगा। कहने का अर्थ हुआ कि दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस में या तो आपको एडवर्बियल फ्रेज मिलेगी, और अगर मान लीजिए एडवर्बियल फ्रेज आपको नहीं मिल रही है देखने को, तो उसमें एडजेक्टिव दिखाई देगा, और वो एडजेक्टिव जो दूसरे सेंटेंस के वर्ब की विशेषता या दूसरे वर्ब के, दूसरे सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई करता हुआ दिखाई देगा। और विशेषता बताने वाले वाक्य को ही, और जो सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा उसी सेंटेंस को ही आप एडवर्बियल फ्रेज बना लेंगे। चाहे आप एडवर्बियल फ्रेज बना के कन्वर्ट करें सिंपल सेंटेंस में, या बाय यूजिंग एडवर्ब, या एडवर्ब यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एडवर्ब दी गई हैं और इनके, भाई हमको एडवर्बियल फ्रेज पता होना है, कुछ एडवर्बियल फ्रेज को ही हम कन्वर्ट करते हैं एडवर्ब में। जैसे यहाँ पे एक एडवर्ब दिया हुआ है केयरफुली, और इसको जब हम एडवर्बियल फ्रेज, इसकी क्या होगी एडवर्बियल फ्रेज, इसकी होगी विथ अ केयर, विथ अ केयर, विथ अ केयर, ये एडवर्बियल फ्रेज है। अगर कहीं पे विथ अ केयर लिखा है तो हम ये कह सकते हैं वो क्या है, एडवर्बियल फ्रेज, और उसी को जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो वो बन जाता है केयरफुली। बात एक ही चीज है, यहां भी विथ अ केयर मतलब परवाह के साथ, और केयरफुली मींस भी परवाह के साथ। अगला है केयरलेसली, मतलब जहां पे कोई परवाह ना की जाए, तो यहां पे हम इसको कह सकते हैं विदाउट केयर। एडवर्बियल फ्रेज क्या बनेगी केयरलेसली की, विदाउट केयर। तो ये तो एडवर्बियल फ्रेज हुई, ये हमारी एडवर्ब हुई। अब हम एडजेक्टिव से कैसे एडवर्ब बनाते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए दो एडजेक्टिव दिए हुए हैं, पहला एडजेक्टिव दिया हुआ है ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव में जब हम एल वाई ऐड करते हैं, एडजेक्टिव में जब हम एल वाई यूज करते हैं, तो वो बदल जाता है किसमें, एडवर्ब में। मान लीजिए ब्यूटीफुल दिया है और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एल वाई। अगर ब्यूटीफुल में एल वाई ऐड कर दिया हमने तो ये एडवर्ब बन गई, और एडवर्ब क्या बनी, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। और दूसरा ब्रेव में जब एल वाई ऐड किया जाएगा तो वो एडवर्ब बन जाएगी ब्रेवली, ब्रेवली, बहादुरी से। कंडीशन दोनों की एक है, जब एल वाई आप किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब।
अब ऊपर वाली दी गई डिफिनेशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको वो डिफिनेशन अच्छी तरह समझ में आ पाए। जैसे डिफिनेशन में कहा गया था कि दो दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में, अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में दो सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं, एक फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला सेंटेंस दिया हुआ है आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ या अपनी माँ से मैं प्रेम करता हूँ। दूसरा सेंटेंस दिया गया है माई लव इज डीप, और माँ के प्रति जो मेरा प्रेम है वो डीप है, बहुत गहरा है। तो यहाँ पे सेंटेंस एक बार फिर डिफिनेशन देख लेते हैं कि दो दिए गए सिंपल सेंटेंस में एक सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज, या तो एडवर्बियल फ्रेज नजर आएगा हमको, और मान लीजिए एडवर्बियल फ्रेज नजर नहीं आ रहा है तो हमको एडजेक्टिव नजर आएगा। यहां पे डीप जो है वो हमारा क्या है, एडवर्ब है, क्या है एडवर्बियल, सॉरी डीप जो है वो एडजेक्टिव है जो विशेषता बतला रहा है किसकी, लव की, किसकी विशेषता बतला रहा है, लव की। तो यहां पे डीप क्या है, एडजेक्टिव, डीप एज अ क्या यूज हुआ, एडजेक्टिव, डीप हमारा एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। तो डीप में जब हम एल वाई और ऐड कर देंगे तो यही एडजेक्टिव हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, और हमको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का ही प्रयोग करके हमको एक, दो या दो से अधिक दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलना। तो जब हम इसको एक सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई लव माई मदर, आई लव माई मदर, और हमारा जो एडजेक्टिव डीप यूज हुआ है, डीप क्या बता रहा है, हमने कहा कि दोनों सेंटेंस में या तो एक में एडवर्बियल फ्रेज होगा या एडजेक्टिव होगा, यहाँ एडवर्बियल फ्रेज तो नहीं आया, हाँ एडजेक्टिव जरूर आया है, और ये एडजेक्टिव जो है वो पहले वाले सेंटेंस के वर्ब की विशेषता बतला रहा है। आई लव, मेरा जो प्रेम है उसकी विशेषता क्या है माँ के प्रति प्रेम की, वो प्रेम कैसा है, डीप है। तो यहाँ पहले सेंटेंस में जो वर्ब आई है उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव उस वर्ब की विशेषता बतलाई जा रही है एडजेक्टिव के द्वारा। तो फिर क्या कहा गया था दूसरी लाइन में, कि विशेषता बतलाने वाले वाक्य को ही एडवर्बियल फ्रेज बनाना, हमने इसी को या तो एडवर्बियल फ्रेज बनाओगे या आप एडवर्ब बनाओगे। तो ये सेंटेंस विशेषता प्रकट कर रहा था तो इसी सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एडवर्ब में, अर्थात या तो एडवर्ब में बदलते या एडवर्बियल फ्रेज में, चूंकि यहां एडजेक्टिव मिला था तो एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में ही चेंज करते हैं। तो डीप के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, एल वाई, तब ये बन जाएगा डीपली, आई लव माई मदर डीपली। और इस तरह इन दोनों सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर बाय यूजिंग एडवर्ब हमने एक नए सिंपल सेंटेंस को बनाया और ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। और ये सिंपल सेंटेंस किसको यूज करके बनाया गया है, बाय यूजिंग एडवर्ब। आइए ये कुछ और सेंटेंसों के उदाहरण दिए गए हैं जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, वो टू टू के पेयर में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो इन पेयर को या इन सिंपल सेंटेंसेस के पेयर को हम एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स। पहला पेयर जो दिया गया है सिंपल सेंटेंसेस का वो है आई आंसर हिज क्वेश्चंस, मैंने उसके प्रश्न का जवाब दिया, माई आंसर वर करेक्ट, और मेरे आंसर जो थे वो कैसे थे, यहाँ पे क्वेश्चंस होगा क्योंकि यहाँ आंसर वर आया है। तो आई आंसर हिज क्वेश्चंस, मैंने उसके प्रश्नों के जवाब दिए, माई आंसर वर करेक्ट, मेरे जो आंसर थे वो करेक्ट थे। यहाँ पे जो करेक्ट है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है करेक्ट, और वो किसको मॉडिफाई कर रहा, जो आंसर दिए गए हैं पहले सेंटेंस में मेरे द्वारा उसको मॉडिफाई कर रहा है करेक्ट। तो एडजेक्टिव जब दिया होता है तो हमें बहुत आसानी होती है उसको एडवर्ब बनाने में, कैसे,
बाई एडिंग एल वाई। तो हम इसमें एल वाई एड करके करेक्ट, चूंकि ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, तो इसी सेंटेंस को हमको क्या बनाना है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। तो सेंटेंस जब हम इसको चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई आंसर हिज क्वेश्चंस, I answer his questions I answer his questions correctly correctly I answer his question correctly। मैंने उसके प्रश्नों का कैसे जवाब दिया, करेक्टली, एल वाई एड किया गया है करेक्ट में, तो ये क्या बना, अब इसको हम एडवर्ब कह सकते हैं या एल वाई एड करके करेक्ट में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया एडवर्ब में। तो यहां पे हमने किसका वर्ब किया, एडवर्ब का यूज किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस हमारा है ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, जो महान लोग होते हैं वो अपने देश की सेवा करते हैं, और देयर सर्विस इज सेल्फलेस माने होता है निस्वार्थ। यहाँ पे जो सेल्फलेस आया है ये हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करके हम उसको तुरंत किस में कन्वर्ट कर देंगे, एडवर्ब में। तब जब इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो हमें और कुछ नहीं करना है, जो हमारा एक एडजेक्टिव, जैसा कि रूल में बताया गया था कि दोनों सेंटेंस में किसी या दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव मिलेगा या कोई एडवर्बियल फ्रेज मिलेगी। यहाँ एडवर्बियल फ्रेज तो नहीं मिल रही हमें, हाँ एडजेक्टिव जरूर मिल रहा है, तो इसी एडजेक्टिव को हमको कन्वर्ट कर देना है किस में, एडवर्ब में। तो जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। तो यहां पे जो वर्ड एक एडजेक्टिव यूज हुआ था सेल्फलेस, उसी एडजेक्टिव वर्ड में हमने एल वाई और ऐड करके उसको क्या बना दिया, एडवर्ब। अब एडवर्ब की यही पहचान होती है कि अंत में एल वाई मिलेगा, समझ लेना वहां एडवर्ब यूज हुआ है। और अगर अंत में अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप मिले काहे का, वर्ड का, और दैट वर्क्स लाइक एडवर्ब, जो किसकी तरह काम करे, एडवर्ब की तरह, तो वहां क्या यूज हुआ होगा, एडवर्बियल फ्रेज। जैसे दूसरा सेंटेंस नेक्स्ट देखते हैं हम, दे स्पेंट, यहां पे द ही आके रख गया है, वास्तव में ये क्या होना चाहिए, दे स्पेंट ऑल हिज मनी, उन्होंने अपना पूरा धन, They spent all his money. उन्होंने अपना पूरा धन स्पेंड कर दिया, this was foolish, ये क्या था, मूर्खाना ढंग था, या ये जो कार्य था ये कैसा था, मूर्खतापूर्ण। तो कुल मिला के हमको देखना है कि हम एडवर्ब कैसे बनाएंगे। तो जो हमारा एडजेक्टिव दिया हुआ है उसी एडजेक्टिव में हमको एल वाई ऐड कर देना है, बस वो हमारा एडवर्ब बन जाएगा। तो दे स्पेंड ऑल हिज मनी, और foolish है तो उसका क्या हो जाएगा, foolishly they spend all his money गर्मी बहुत है, all his money foolishly
दे स्पेंड ऑल हिज मनी फूलिशली, उन्होंने मूर्खतापूर्ण ढंग से अपना पूरा पैसा क्या कर दिया, खर्च कर डाला, गंवा दिया। अगला पेयर है आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट, और ये मैंने अपने दिल की गहराइयों से किया, ऐसा नहीं कि ऊपर दिखावे के लिए फॉर्मेलिटीज के लिए मैंने उसे धन्यवाद दिया। जैसा कि अमूमन होता है, हम जब हमारे घर आते हैं कुछ मेहमान गेस्ट, तो ना चाहते हुए भी अगर हम नहीं भी उनको पसंद करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, फिर भी हमको उन्हें ग्रीट करना पड़ता है, तब हम केवल फॉर्मेलिटीज अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस कहा गया है आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट, अपने पूरे तहे दिल से या दिल की अंतरिम गहराइयों से। तो जब बात दिल से की जाती है तब उसको बाई हार्ट फिर उसको करने का मजा ही कुछ और है। तो आई थैंक्ड हिम, यहां पे देखते हैं हम, अब इस सेंटेंस में हमारे एडजेक्टिव नहीं यूज हुआ है। अब इन दोनों सेंटेंसों में से एक में या तो एडजेक्टिव यूज होना चाहिए, या एटलीस्ट एक सेंटेंस में हमें क्या मिलना चाहिए, एडवर्बियल फ्रेज। तो यहां पे हमें मिल रहा है विथ ऑल माई हार्ट, ये हमारा क्या है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ऑल माई विथ ऑल माई हार्ट। तो आई थैंक्ड हिम, पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, आई थैंक्ड हिम, I thanked him, और adverbial phrase जो हमको मिली है उसी को हम add कर दें, with all my heart, with all my heart। अब हम ये कह सकते हैं कि इस sentence में हमने एडवर्ब यूज नहीं किया, अब इस सेंटेंस में हमने एडवर्बियल फ्रेज यूज किया है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि ही स्टेड एट माई होम, वो मेरे घर पर रुका, इट वॉज सनसेट, मतलब रुके रुके ही शाम ढल गई, सूर्यास्त हो गया। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वो सूर्यास्त तक मेरे घर पर रुका रहा। तो ही स्टेड एट माई होम, He stayed at my home by sunset। तो ये तो कुछ examples हैं जिनके through हमने दो या दो से अधिक simple sentences को एक new simple sentence में convert किया।